भाई हमें ना थोड़ी देर के लिए आपका रूम चाहिए। तो आप रूम से बाहर जाओ, हमें ना मेकअप, कपड़े, ज्वेलरी ये सब कुछ डिस्कस करना है। हाँ। जाइए जाइए। हाँ। भाभी मैं क्या बोल रही हूँ, आपने वो साड़ी पे फॉल लगाया? मैंने? हाँ। ये साड़ी बाकी है, इस पे तो लगा दिया। ओके और अनुपमा मुझे भी कुछ काम दो ना। अच्छा हाँ, तो इसमें फॉल लगा देना और इसमें बटन लगाने हैं सारे, यहाँ से पूरा। हाँ, और ये साड़ी को पिकू कर देना। और डोली बहन और भी साड़ियाँ हैं ना? हाँ, हाँ, बहुत सारी है, मैं सारी लाके दे दूंगी काव्या। हाँ ठीक है, चलेगा ना काव्या? पिकू क्या करना है? डोंट वरी काव्या, भाभी ना मजाक कर रही है। तुम मजाक भी करती हो, मुझे नहीं पता था। अरे तो तुम्हें क्या लगा काव्या कि भाभी बहुत सीरियस टाइप है? हाँ? अरे सबके ना दिमाग में एक हाउसवाइफ की इमेज बन जाती है कि वो बहुत दुखी होती है, हमेशा रोती रहती है। हमारी भाभी ना सिर्फ मम्मी के सामने मजाक नहीं करती, अदरवाइज भाभी इज द फनीस्ट। तमे पंडोले पे। तुम्हें क्या लगा ये काम दूंगी? वैसे थैंक गॉड बेस्टीज है, अब बेस्टी के साथ शॉपिंग करूंगी ना तो मेरी शॉपिंग भी राखी आंटी और किंजू बेबी की तरह एकदम लेटेस्ट होगी। मम्मी आपको पता है बेस्टी का टेस्ट इतना सोफिस्टिकेटेड और इतना कूल है ना कि क्या बताऊं, आपकी और मम्मी की चॉइस कभी मिल ही नहीं सकती, है ना बेस्टी? पर हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चॉइस तो सेम है। ज्वेलरी आपको भी मम्मी की तरह ट्रेडिशनल ज्वेलरी पसंद है? वैसे तो काव्या की चॉइस बहुत अच्छी है, कोई और फंक्शन होता तो मैं बीच में बिल्कुल भी नहीं पड़ती। पर ये मेरे दोस्तों की सगाई है और बेटी की सगाई में माँ की थोड़ी बहुत तो चलनी चाहिए ना। इस दिन के सपने तो हर माँ देखती है, पढ़ाई नौकरी ये सब बच्चे और पापा आपस में मिलकर तय कर लेते हैं, कहते हैं कि माँ को कहाँ से समझ में आएगा, उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी है। पर रिश्ते तो माँ समझती है ना, और मेरे तोसु का ना नया रिश्ता जुड़ने जा रहा है। मैंने ऐसे छोटे 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 सपने जोड़ के रखे हैं कि सगाई ऐसी होगी, रस्म ऐसी होगी, कपड़े ऐसे पहनेंगे सब, लिफाफे ऐसे होंगे, तोहफे ऐसे होंगे और पता नहीं क्या क्या। पूरी जिंदगी तो बच्चों की अपनी है, बस ये एक दिन माँ अपने लिए मांगती है। मम्मी आप कभी कोई बात बिना मेलोड्रामा के बोलोगे क्या? तू चुप करो बाकी। अरे अच्छा सुन ले, राखी बहन को चाहे जो भी पसंद होगा, लेकिन मैं अपनी बहू को खिंजल को अपनी तरीके से तैयार करूंगी, ठीक वैसे ही जैसे जन्माष्टमी में तैयार किया था। सोरिया काव्या बुरा मत मानना, पर मेरे बेटे के इस फंक्शन की तैयारी में मेरा पूरा हक है। ऑफ कोर्स अनुपमा। मुझ में और मोटी बहन में बचपन से ना सास बनने के गुण थे। हाँ अरे लोग तो कह रहे थे कि हमने जब बोलना नहीं सीखा था उसके पहले हमने ताने मारने सीख लिए थे। चल अब ससुराल की खबर सुना। मतलब गोसिप? हाँ ये गोसिप बोसिप मुझे पसंद नहीं है। हाँ बस इधर उधर की मसाले वाली बात सुना। ऐसी बातें तो बहुत सारी है बा। बता तो। लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ एक बात पे चौखट करना चाहती हूँ। अरे बा आपने इतनी महंगी अंगूठी ले ली, मतलब साचू कहूँ ना तो गांव में तो 5 लाख में 5 शादियां हो जाती है बा। ये बात तेरे मोटर जैसे दिमाग को समझ में आ गई पर मेरी बहू को समझ में नहीं आई। मतलब बा मैं क्या कहती हूँ, इतनी महंगी अंगूठी कहीं खो हो गई तो मतलब कुछ भी ऊंच नीच हो सकती है ना बा। और सच कहूँ ना तो ये किंजल तो इतने बड़े घर की लड़की है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम तो लूट जाएंगे। हाँ बा भगवान ने मुझे ज्यादा समझदार बेटा दिया तो मोटी बहन को बहू। साची बात, हूँ तो भारे संस्कारी छू। हाँ बा इतनी भी कोई अच्छी बहू नहीं है तू। तू जीरो और मेरी बहू माइनस में जीरो।
लिख लेना, रसम में ना नक्की कोई गड़बड़ तो होगी। भाभी, भाई ने आपको वो चेक्स वाली साड़ी दी थी ना, वो कितनी सुंदर है, आप उसे क्यों नहीं पहनती किसी फंक्शन में? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, बेकार में सगाई की साड़ी पे पैसे खर्च किए, वो भी तो एकदम नई है, पहनी नहीं एक बार भी। भाभी, ये सगाई की साड़ी बहुत सुंदर है, आप ना इतने सारे फंक्शन है तो किसी भी फंक्शन में वो साड़ी पहन लेना। आपने वो साड़ी का फॉल लगाया है ना? ए नहीं, मैं भूल गई, उसको भी फॉल लगा लेती हूँ जल्दी से। नहीं, अच्छा सुंदर छे ना? बहुत सुंदर है। वाओ काव्या, तुम्हें पता है भाई और भाभी की शादी को 25 साल होने वाले हैं। आज भी भाई कहीं भी जाए भाभी के लिए साड़ी तो जरूर लाते हैं। पता है मैंने शादी से पहले 16 सोमवार के व्रत रखे थे, इसलिए तो शादी के इतने सालों बाद भी तोसु के पापा मुझसे वो करते हैं। वो क्या करते हैं भाभी? वो टोली बेन। मम्मी, आप प्यार बोलते टाइम इतना लाल हो जाती हो, सो ओल्ड फैशन। हाँ पाखी, इट्स नॉट ओल्ड फैशन, से हाउ रोमांटिक। सच में बहुत क्यूट बात है। मैं भी बस वही सोच रही थी कि सब तुम्हारी तरह इतने लकी क्यों नहीं हो सकते। तुम्हारे पास सब कुछ है अनुपमा, और मेरे पास तो कल के फंक्शन में पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं है। तुम कल की फिक्र बिल्कुल मत करो काव्या, मैं तुम्हें अपनी साड़ी देती हूँ पहनने के लिए। सच? हाँ, मैं अभी साड़ी निकाल देती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ? अरे ये है ना, मैं यही पहन लूंगी। ये क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये शायद तुम पे अच्छी नहीं दिखेगी। मैं दूसरी साड़ी निकालती हूँ, तुम पे एकदम जचेगी। हाँ नहीं, ना ओवर क्यों कर रहे हो, एक ही फंक्शन के लिए तो बेस्टी को चाहिए, फिर पैसे लौटा देंगी, दे दो ना साड़ी। पर स्वीटी, ये रंग नहीं जचेगा काव्या पे, तो मैं दूसरी। मम्मी प्लीज, इस घर की फैशन गुरु मैं हूँ ना, एंड आई थिंक कि बेस्टी पे ये कलर ना बहुत अच्छा लगेगा। और बेस्टी, मेरे पास ना इसका मैचिंग का ब्लाउज भी है, हम वो भी ट्राई करेंगे। अरे वाह, थैंक्स अनुपमा। थैंक यू सो मच। वाओ, दिस इज सो प्रिटी, है ना? सो ब्यूटीफुल। अभी आपका गोलदाना शुरू नहीं हुआ है और यहाँ दूसरे गोलदाने की तैयारी शुरू हो गई है। What? Oh, so cute, Mr. Winter. भाई, ये स्वीटी क्या कह रही है? यही कि तुझे नंदनी पसंद है। नंदनी? कौन नंदनी? अच्छा, ये मिस लॉल। ओहो, निकनेम्स भी दिए जा चुके हैं भाई। तुझे क्या लगा था तेरा ये सीक्रेट सिर्फ मामा जी को पता होगा? ब्रो, हमने भी नोटिस किया है। क्या नोटिस किया? तेरा आई कॉन्टैक्ट, तुम्हारी केमिस्ट्री। गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, नंदिनी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इनफैक्ट हमारी तो हर वक्त लड़ाई होती रहती है। हाँ तो प्यार की दुनिया में इसे ही तो हेट केमिस्ट्री कहा जाता है बेटा। अरे भाई, सचमुच ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो ठीक ही है ना, वैसे भी ऑलरेडी उसका बॉयफ्रेंड है। अगर कुछ नहीं है तो बॉयफ्रेंड की बात पे इतना बड़ा रिएक्शन क्यों? वो मुझे मम्मी बुला रही, मैं हाँ तो। कोई नहीं बुला रहा बेटा। भाई, इसकी गाल तो देखो टमाटर की तरह लाल हो गए। जी, आया मम्मी। अरे आया मम्मी।
हाँ झिलमिल सांभर, कल पूरे दिन के लिए आ जाएगी? कल कोर्ट आना है ने, तो देर मत करना। हाँ चल ठीक जी। बहू। हाँ बा। हाथ पोछ ले। हाँ जी बा। मैं सास वाला गुस्सा करती हूँ, पर सास वाला फर्ज भी पूरा करती हूँ। इस गोड़दाने में मेरी बहू अपने गहने पहनेंगी। अब ठाकुर जी ने रूप तो ज्यादा दिया नहीं है, जितना है उसी से सजा लेना। जी बा। अब बहुत अच्छी। ना ना मैं अच्छी हूँ ना मैं बुरी हूँ, सास हूँ समझी जी। और ये ले अपना हीरा संभाल, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया है, अब तेरी जिम्मेदारियां। जी बा। और सुन हाँ? बेटे की सगाई है हा? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी बा। ये सगाई लगन ना एक दिन का होता है, पर अगर कोई ऊंच नीच हो गई ना तो ताने साथ जन्म तक सुनने पड़ते। सुनिए आपको ये कुर्ते दिखाने थे। हाँ दिखो। ये देखिए, ये मामा जी के लिए। नाइस है ना। और ये बापूजी के लिए। ये रंग अच्छा लगेगा नहीं उनपे? और ये आपके लिए। ये कुर्ता, मैंने वनराज को हमेशा ऑफिस में सोबा कलर्स पहनते हुए देखा है, ब्लैक व्हाइट ब्लू डार्क ब्लू बेज, डोंट माइंड, लेकिन ये कुर्ता ये कलर बहुत ज्यादा लाउड है। अच्छा सुनो, अभी कुछ दिन तक मुझे अपने घर पर ड्रामा करना पड़ेगा, अनुपमा के साथ थोड़ा प्यार से रहना होगा मुझे। मेरा भरोसा मत तोड़ना भी, अगर मेरा भरोसा टूटा ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वैसे तो मुझे ब्राइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, पर ये थोड़ा सा लाउड है अनुपमा। पर कुर्ता बहुत अच्छा है, तो ये तुम समर को दे दो, उसको बहुत सूट करेगा। मेरे लिए थोड़े सबड्यूड कलर्स देखो ना प्लीज। सबड्यूड मतलब सोबर, सादा। अब मुझे एक चेक डिपॉजिट करवाना था, मैं ये चेक तोशु को देके आता हूं। वनराज और मैं सारा दिन ऑफिस में एक साथ रहते हैं, इसीलिए अब तक उनकी पसंद नापसंद का थोड़ा बहुत आइडिया मुझे लग गया है। मैं जानती थी कि वो ये कुर्ता नहीं पहनेंगे। इनको ये कुर्ता पसंद कैसे नहीं आया? मुझे तो पूरा विश्वास था कि इन्हें ये बहुत पसंद आएगा। कैसी है? तू भी बहुत सुंदर है और बहुत प्यारी है। अरे वाह भाभी, आपको इसकी भाषा समझ में आ गई है? हाँ तो प्यार की कोई भाषा थोड़ी ना होती है, वो तो बिना बोले ही बात कर लेता है, है ना? गुड़िया सुन, अभी मैं काम करूंगी तो तू शैतानी मत करना, ठीक है? और तुझे अगर कोई भी कोई काम बताए तो बिल्कुल भी मत करना। अभी झिलमिल,
बचपन किताबों में बीतना चाहिए, काम में नहीं। काम करने के लिए तू और मैं है ना, मेरी गुड़िया तो बस खेलेगी। तू जा स्वीटी दीदी उनके पास जा और डांस की प्रैक्टिस कर, जा। अरे भाभी, वो अंगूठी अभी भी दूध में ही है। अरे नहीं नहीं, निकाल ली थी, और पता है दूध में से निकालने के बाद में अंगूठी और पीछे मांग रही है। जय श्री कृष्ण नौकरानी जी। जय श्री कृष्ण। क्या कहा तुमने कामिनी? जय श्री कृष्ण कहा दीदी। छिलमिल इस घर की नौकरानी नहीं, इस परिवार का सदस्य है। ओहो, कितनी अच्छी बात बोली है अनुपमा दीदी आपने। क्या है ना, ये रिश्ता है, लड्डू थोड़ी है जो ऐसे ही बन जाएगा है। और वैसे भी दीदी, नौकरों पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, वो भी तब जब घर में लाखों की अंगूठी हो। आपकी कामिनी इसे अपना घर समझती है ना, इसलिए कह रही है। और वैसे भी गरीबी में आटा गीला हो ना, तो चोरी की रोटी सेकने में जरा भी देर नहीं लगती है। अब देखो ना, आज गोल्डाना है तो मुफ्त का माल पुआ खाने के लिए लेके आ गई ना अपनी गूंगी बेटी को। कामिनी, ऐसी बातें करोगी ना तो कान्हा जी ने जो गज पर लंबी जबान दी है उसे वापस खींच लेंगे। ओ बाबरे। और रही बात झिलमिल के गरीब होने की, तो गरीब होना कोई पाप नहीं है। कान्हा जी ने भी पूरी दुनिया के पैसे वालों को छोड़कर सुधामा जी से दोस्ती की थी। अरे हमारे शास्त्रों में दरिद्र को नारायण कहा जाता है। गरीब के पास भले ही पैसा ना हो, घर ना हो, पर गर्व जरूर होता है, सम्मान होता है। इसलिए अगली बार ऐसे सब मुंह से निकाले ने तो अच्छा नहीं होगा। कोई एक रुपये की बात करता है तो तू 100 रुपये का भाषण देती है, और तू इधर उधर की टैटे करने का टाइम है, याद है ना, मेरे घुटनों में दर्द है, चल दबा। हाँ बा। प्याज में आंसू मत छुपा, जानती हूँ तूने कामिनी की बातें सुन ली ने। मैं चोर नहीं हूँ भाभी। किसी के कहने से तू चोर हो जाएगी। आपको मुझ पे विश्वास है ने? अगर मेरी छोटी बहन होती ने, उस पे मेरा जितना विश्वास होता उससे कई ज्यादा विश्वास मेरा तुझ पे। अब बस हाँ, बिल्कुल इसके बारे में सोचना भी नहीं और बात भी नहीं करना। अच्छा चल, अब इतना सारा काम पड़ा है, गोल जाना है, वो बाकी सब तो हमारे गुजराती खाना खा लेंगे, पर वो राखी बहन उनके लिए वो पास्ता बनाना है। कहाँ जाने का रास्ता बनाना पड़ेगा? रास्ता नहीं दुदू, पास्ता अंग्रेजी खाना है। वो तो मुझ पर छोड़ दो। वहीं रुक जाओ काव्या। चप्पल। हमारे यहाँ रसोई में चप्पल अंदर नहीं पहनते। मगर अनुपमा, ये तो घर की चप्पल ही है। वो क्या है ना, मुझे नंगे पैर घूमने की आदत ही नहीं है। ये तो आप मंदिर कैसे जाते हो काव्या बिन? समझ गई मैं, वो आप जाते ही नहीं हो। तू प्याज काट ले। काव्या, हमारे यहाँ घर के चप्पल भी रसोई में नहीं पहनते। रसोई भी माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। और माँ अन्नपूर्णा मतलब रसोड़े की माता जी हो? थैंक यू, चलो। अब ठीक है? बिल्कुल ठीक। आओ। क्या मैं इस घर में नहीं आई हूँ ना, बट कुछ दिनों में इस घर के तौर तरीके मैं सब सीख लूंगी। ठीक है। अभी क्या इस घर के पते पे आधार कार्ड बनवाने का नहीं रहता है? तो मिसेस दवे की खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, ओके? मैं डाइट फूड स्पेशलिस्ट हूँ। सच? बिल्कुल।
अच्छा तो इसलिए तुम ऐसी पतली दुबली और एकदम मेंटेन हो, है ना? तो ठीक है, राखी बहन के खाने का जिम्मा तुम्हारा और बाकी सबका खाना मैं और झिलमिल बना लेंगे। ठीक है, डन। झिलमिल जल्दी से मुझे दो बोल्स दीजिए और एक काटने के लिए छुरी प्लीज। कोल खाने में बहुत मजा आएगा। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।